जय श्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हमने रोग प्रश्न कुंडली के बारे में बात की। पिछली वीडियो में हमने देखा था छठे भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, पाप प्रभाव की दृष्टि हो तो रोग क्या हो सकता है, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वंश परंपरा अनुगत रोग कैसे देखे जाते हैं। रोग प्रश्न कुंडली में वंश परंपरा अनुगत रोग कैसे देखे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी रोग प्रश्न की कुंडली बनेगी, लगन से तीसरे, छठे, नौवे या बारहवें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए। पाप ग्रह कौन कौन से हुए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनको हम पाप ग्रह मानते हैं। यदि लगन से पाप ग्रह बैठ जाए कौन से भाव में? तीसरे भाव में, छठे भाव में, नौवे भाव में या बारहवें भाव में, तो जलिया रोग होंगे और वंश परंपरा अनुगत रोग हमें होंगे। ये हम समझ सकते हैं जिस रोगी की हम बात कर रहे हैं, जिसके रोग प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं, उसको ये रोग हो सकता है। अब अलग अलग ग्रह के बारे में बात करते हैं कि अगर सूर्य मान लो ऐसी स्थिति में हो तो क्या प्रभाव देगा। सूर्य यदि आठवें या बारहवें भाव में बैठा हो उदित लग्न से, रोग प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो उदित लग्न होगा, सूर्य या तो आठवें भाव में बैठा हो या बारहवें भाव में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, तो जातक को देव दोष होते हैं। देवों की पूजा ना करने से देव रुष्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से देव दोष पाए जाते हैं जातक में, उसको सूर्य से देव दोष होते हैं। और यदि चंद्र हो आठवें या बारहवें भाव में उदित लग्न से प्रश्न कुंडली में, तो जल की देवी, जलीय रोग होंगे और देव देवियों, देव देवता, देवी देवताओं के रोग उसको हो सकते हैं। जातक को देवी देवताओं के रोग हो सकते हैं परंपरा अनुगत। आठवें भाव में यदि चंद्र बैठा हो या बारहवें भाव में बैठा हो तो उसको जलिया रोग हो सकते हैं या देवी देवताओं के दोष की वजह से रोग हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि मंगल अष्टम में या बारहवें भाव में बैठ जाए तब पिशाचनी के रोग होंगे। पिशाचनी दोष लग जाता है, जो पिशाचनी देवी है उसके रोग होंगे। ये हमारे परंपरागत रोग चलते रहेंगे, ये उसका प्रभाव है। और यदि बुध का प्रभाव हो आठवें बारहवें भाव में, बुध बैठा हो पाप प्रभाव में आठवें या बारहवें भाव में, तो बुध से प्रेत बाधा के रोग होते हैं, रुकावटें आती हैं और हमारा जो मन ठीक नहीं रहता, मन में विचार उल्टे सीधे आते रहते हैं, हम घबराते रहते हैं और भूत प्रेत से हमें डर लगता रहता है, इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। यदि आठवें या बारहवें भाव में गुरु पाप प्रभाव में हो तो पितरों के दोष होते हैं, पितृ दोष की वजह से जातक को रोग होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गुरु ग्रह पितरों के दोष के रोग दे सकता है। शुक्र यदि आठवें या बारहवें भाव में पाप प्रभाव में हो तब शुक्र की वजह से जल देवी के दोष हो सकते हैं, जिसका हमें उससे छुटकारा पाने के लिए विष्णु पूजा करनी चाहिए। विष्णु पूजा से जल देवी खुश होती है क्योंकि विष्णु जल में ही रहते हैं। विष्णु पूजा करने से जल देवी खुश होती है, परेशानियां हमारी कम होने लगती हैं, रोग हमारे कम होने लगते हैं। शनि कुल देवी देवताओं की वजह से परेशानी देता है, रोग देता है। यदि शनि आठवें या बारहवें भाव में हो तो ये कुल देवी देवताओं की वजह से रोग परेशानियां देता है। और राहु प्रेत बाधा के रोग देता है, प्रेत दोष देता है। राहु की वजह से भूत प्रेत की परेशानी हमें समझ आती है कि रोगी जो है रात को घबरा जाता है या लेटा हुआ अचानक उठ के बैठ जाता है कि मेरे को ये दिखा, मेरे को वो दिखा, इस प्रकार के रोग उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। चंद्र को विशेष रूप में देखते हैं। यदि चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो, बलहीन हो, नीच का हो, अस्त हो, तो चंद्र काफी कमजोर होने की वजह से असाध्य रोग भी दे देता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि चंद्र जो है असाध्य रोग का कारक भी बन जाता है यदि वो बिल्कुल कमजोर हो। दूसरा, केंद्र में बलि पाप ग्रह हो, उदित लगन में जो हमारी रोग प्रश्न कुंडली की लगन है उसमें केंद्र में बलि पाप ग्रह हो तो देवी देवताओं की पूजा याचना करने से भी कई बार रोग हमारा ठीक नहीं होता। लेकिन यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो और वह थोड़ा पाप प्रभाव, शुभ ग्रह हो, पाप प्रभाव से हो या रोग दे रहे हो, उनका जप हवन पूजा करने से, शुभ ग्रह का केंद्र में बैठने से
उनका जप हवन पूजन करने से वो रोग में कमी करते हैं, रोगों से छुटकारा दिलाते हैं। शुभ ग्रह केंद्र में बैठना शुभ माना जाता है, उनकी पाठ पूजा करने से हमारे समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने बात की परंपरागत जो रोग होते हैं उनको कैसे देखा जाता है और उनको पाठ पूजा से दूर करना चाहिए और अपनी स्थिति को ठीक करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, आने वाली वीडियो में, रोग से मृत्यु। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि असाध्य रोग हो जाते हैं, वो मृत्यु तक ही चलते हैं, या हमारा रोग प्रश्न कुंडली में वो उनका योग ऐसा होता है कि वह मृत्यु दर्शाते हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।